कंपनी के सीईओ क्रिस्टियाना का बयान सामने आया है, वो भी तब जब पेजर में ब्लास्ट हुआ है। पेजर पर सवाल उठने के बाद सफाई दी गई है। ये उनकी तरफ से कहा गया, पेजर बनाने से ही इनकार कर दिया गया। पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी थी बीएसई कंपनी, यानी चूंकि पेजर ब्लास्ट पर सवाल उठा इसीलिए वो कह रही हैं कि पेजर बने ही नहीं, यहाँ बीएसई की कंपनी पर उन्होंने सवाल उठा दिए। और इन सवालों के बीच में पेजर कंपनी की सीईओ क्रिस्टियाना सफाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद सवाल बहुत से उठने लगे। अब सवाल ये कि पेजर में ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि मोबाइल लैपटॉप में भी ब्लास्ट हुआ, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर गाड़ी में भी ब्लास्ट की थी। लोग सवाल पूछने लगे कि भाई अब क्या ये भी इस्तेमाल ना करें। अब ऐसे में क्रिस्टियाना की सफाई सामने आई है, क्रिस्टियाना पेजर बनाने की बात से ही इनकार कर रही है और इस पूरी घटना को लेकर वो बीएसई का नाम दे रही है। अब कौन है क्रिस्टियाना बारसोनी, ये भी आप जान लीजिए। कई साल यूनेस्को से जुड़ी रही है क्रिस्टियाना, और क्रिस्टियाना इस वक्त पर पेजर ब्लास्ट में सीधे तौर पर सफाई दे रही है। अब बीएसई कंसल्टेंसी में सीईओ है क्रिस्टियाना, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है और इस बीच चर्चाओं में वो तेज आ गई हैं। यूसीएल से फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्री उन्होंने हासिल की हैं, अच्छी खासी पढ़ाई उनकी है, यूरोपियन कमीशन के साथ में वो काम कर चुकी हैं, साथ ही साथ कई साल यूनेस्को से जुड़ी हुई हैं क्रिस्टियाना। और ऐसे में अब बीएसई कंसल्टेंसी में सीईओ हैं क्रिस्टियाना, यानी जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद में क्रिस्टियाना का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में क्रिस्टियाना की चर्चा है, और अब क्रिस्टियाना के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिस्टियाना कौन है जो पेजर ब्लास्ट पर यूं रिएक्ट कर रही हैं। अब क्या कुछ कनेक्शन है और क्या सफाई दी गई है जानिए। पेजर बनाने से बीएसई का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका कहना है। साथ ही कह रही है बीएसई कंसल्टेंसी सिर्फ बिचौलिया फर्म है, इसमें पेजर बनाया हमने नहीं गया। बीएसई कंसल्टेंसी कंपनी सिर्फ पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी हुई थी, इसमें ब्रांड लाइसेंसिंग के तहत सप्लाई की जिम्मेदारी महज हमारी थी, यानी वो कह रही है कि सिर्फ सप्लाई चेन में हम थे, उसके अलावा हमारा कोई इसमें रोल नहीं। 3 ग्राम विस्फोटक AR 924 केस में बात सामने आ रही है। बुडा पोस्ट स्थित ये फर्म है बीएसई कंसल्टेंसी जिससे जुड़ी हुई है क्रिस्टियाना, और अब ये कह रही है कि पेजर बनाने से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम सिर्फ यहाँ सप्लाई चेन का हिस्सा है। यूके देवनाथ सर, पेजर ब्लास्ट हुआ ऐसा नहीं है कि ये पेजर ब्लास्ट सिर्फ लेबनन में तबाही लाया है या फिर सिर्फ वहां के लोगों को ये चिंता में डाल रहा है। कल ही खबर सामने आई थी कि अब भारत भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर आप गैजेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, तो चीन ने अपना कैसे राज स्थापित कर लिया है पूरी दुनिया में, मार्केट कैसे एक तरीके से कब्जा लिया है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत को भी ये चिंता है कि चीन जो चालबाजियां चलता है, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में भारत के लिए भी कोई नुकसान यहाँ पर खड़ा कर दे। अब ऐसे में क्रिस्टियाना या फिर जो तमाम सफाई चल रही है कि पेजर में कैसे ब्लास्ट हुआ, हो नहीं सकता, या फिर इसके पीछे कौन, आपको क्या लग रहा है ये जो गैजेट्स हैं क्या अब आने वाले टाइम में इनके जरिए हमला हुआ करेगा? क्योंकि पेजर अकेला नहीं, पेजर फिर मोबाइल की बात, फिर वॉकी टॉकी की बात, फिर कई लैपटॉप्स में ब्लास्ट की बात। रत्ना जी, इन पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद जहां तक दुनिया भर के देश हैं, दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो जितने भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, सब ये अब सोच रहे हैं कि भविष्य में शायद बहुत जल्दी ही दुनिया भर की जितनी एयरलाइंस हैं वो शायद भविष्य में पेजर या मोबाइल या वॉकी टॉकी, शायद लैपटॉप, टैबलेट, इनका पैसेंजर केबिन में ले जाना शायद मना करने के लिए ऑर्डर्स इशू करेंगी। ऐसा ऑलरेडी लेबनान की जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है और कतार की जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, ऐसा ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है। भारत के जो हमारी भारतीय इंडियन DGCA है वो लगातार ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में है और ये तय कर रही है कि भविष्य के लिए क्या मापदंड होना चाहिए एयरलाइंस के यात्रियों का, क्या उनको चेक इन के समय ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले जाने दिया जाएगा। जहां तक चीन की बात है, देखिए भारत जो है इस समस्या से अवगत हो गया था 30 साल पहले
30 साल पहले ही भारत सरकार ने NIA NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को यह गाइडलाइन दे दी थी कि भारत में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को NIC हमेशा चेक करे, खास तौर से जो कि चीन से आयात होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हमारी डिफेंस साइबर वॉरफेयर डिपार्टमेंट है जो कि ये तय करते हैं कि चाइनीज कंपोनेंट जहां तक हो सके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स के सिस्टम में फिट ना हो। हम जब भी टेंडरिंग करते हैं या किसी चाइनीज किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि उसमें कोई भी चाइनीज कंप्यूटर चाइनीज सर्वर चाइनीज चिप ना हो। तो ऐसी खबरें आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जब एक बार बीच में ऐसी खबरें खूब उठने लगी थी कि चाइना के ऐसी चाल है कि चाइना से आने वाला जो भी सामान है उसमें छोटी सी वो चिप होती है जो वो जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि उन खबरों में कुछ तो सच्चाई रही होगी जब इस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ या वॉकी टॉकी बाकी चीजों में ब्लास्ट की खबरें हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। इन सभी के साथ वॉकी टॉकी ब्लास्ट की जो पहेली है उसे सुलझाने की कोशिश भी अब हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेबनान की नजर या ईरान की नजर इस पर है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग सरकारों की चिंता भी इसने बढ़ा दी है। इस ब्लास्ट की पहेली क्या है जानिए। वॉकी टॉकी को लेकर हिस्प के साथ में धोखा हुआ है। हिस्प के पास में ICOM कंपनी का प्रोडक्शन है। ICOM जापान की कंपनी है। यानी कि आईकॉम कंपनी IC-82 के सेट में ये ब्लास्ट हुआ है। जापान से सप्लाई 2004 से 2014 तक इसकी सप्लाई रही। 2014 में ये मॉडल बनना बंद हो गया था। कंपनी ने इस मॉडल की बैटरी बनाना भी बंद किया। 5 महीने पहले इसकी खरीद की गई। नकली सेट का अंदेशा इसमें जताया जा रहा है। साथ ही साथ जापान की जो आईकॉम है उसने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी। कंपनी को नकली सेट की जानकारी मिली थी, यानी ये जो नकली सेट हैं इन्हें ट्रेस कर पाना या फिर इनके जरिए ब्लास्ट कर पाना शायद इजी रहा होगा, और इसीलिए इस तरीके से साजिश रची गई कि ब्लास्ट हो जाए, यानी कि जिसको लेकर बिल्कुल अंदेशा नहीं था। बंसल सर, क्योंकि जानकारी ऐसी थी कि मोबाइल इसीलिए हिजबुल्ला के जो कमांडर से जो बाकी जो मेंबर्स थे उन्होंने मोबाइल इसलिए नहीं रखा कि कहीं मोबाइल ट्रैक या ट्रेस ना हो जाए, पेजर उन्हें सेफ लगा, लेकिन क्या वो जानते होंगे कि ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि वो सिर्फ अकेले हैरान नहीं, दुनिया हैरान है इस घटना के बाद में। बिल्कुल, हैरानी का सबब है ही। तो अभी इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो एस्पेक्ट है साइबर अटैक, दूसरा है ये ब्लास्ट। तो साइबर अटैक या साइबर तो एक वेल नोन फैक्ट है और GPS सिस्टम को भी जैम कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब एक UK का एरोप्लेन था वहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास में, तो उनका सिस्टम जो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया था या वो लोकेट नहीं कर पाए थे और ये डाउट किया था कि रशिया ने क्या होगा। इसी प्रकार से कहीं भी हो सकता है। तो सब बातों को देखते हैं वे अपने कंट्री में ही, कुछ कंट्री अपने GPS बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि किसी भी तरह के अगर आप सेबोटाज और ब्लास्ट को रोकना चाहते हैं तो अपने कंट्री में बनना चाहिए, और अगर कंट्री में बनता नहीं तो असेंबल भी होना कंट्री में ही जरूरी है। पता तो लगे कि आपने क्या डाला हुआ उसमें। अगर कोई पूरी का पूरा जो इक्विपमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाहर से आता है, असेंबल होकर आता है, जो कि अभी हुआ है, और इसमें जो चिप्स फिट कर दिए गए, चिप्स के अंदर में एक्सप्लोजिव फिट कर दिया गया, तो इस तरह की संभावना रहती है। तो अब ये सिर्फ डिफेंस के अंदर ही नहीं है, ये पूरे कंट्री एज ए होल, किसी भी जो बड़े डेवलप कंट्री हैं या जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो उनकी अपनी क्षमता है उनको करना पड़ेगा, और जो छोटे कंट्री हैं उनको अपने फ्रेंडली कंट्री से ले सकते हैं, और जहाँ भी कहीं डाउट है तो वो इसको नहीं ले पाएंगे। तो ये एक ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। इसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बना दी गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस ब्लास्ट ने, और जो आज की तारीख में बैरूत के अंदर में है वो सब इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और तो जो सोलर पैनल है उनके अंदर में ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई किसी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो आप एक मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था बैरूत से कि सब बड़े वहाँ एक जो डर का माहौल है, सब खौफ के साए में जी रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए यही तरीका है कि अपने ही कंट्री में बनाया जाए, जो विश्वसनीय है उसको इस्तेमाल किया जाए। जी, अब जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है, इन सब के बीच में ही देखिए आगे की प्लानिंग्स पर लगातार काम हो रहा है। इन सब के बीच में ही जानकारी नसरल्ला को लेकर भी है कि नसरल्ला ने आखिर सोचा क्या था और किस तरीके से ये घटना घट गई, मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया।
दरअसल पेजर को कोई कैसे ट्रैक कर सकता है? अब ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है, क्योंकि हुई तो ये घटना लेबनान में है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग सरकारें इसको लेकर अपना ध्यान इस तरफ ला रही हैं। पेजर उसके लड़ाकों के लिए कवच बनेगा क्या? ये नसरल्ला की सोच थी, लेकिन यही उनके लिए मौत लेकर आ गया। पेजर का तोड़ यूएस भी नहीं निकाल सकेगा, ये नसरल्ला ने सोचा था। पेजर को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, उसके लड़ाके उसके आतंकी पूरी तरह से सेफ रहेंगे। पेजर उसके लड़ाकों के लिए कवच बनेगा, यानी कि मोबाइल रखना इसलिए छोड़ा और पेजर इसलिए शुरू किया कि पेजर के जरिए एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकेंगे। और मोबाइल में ऐसे कई खतरे हैं जो ट्रेस हो सकते हैं, ट्रैक हो सकते हैं, उनकी लोकेशन मालूम हो सकती है, इसीलिए मोबाइल रखना छोड़ा। लेकिन यहाँ पेजर उसके लड़ाकों के लिए कवच नहीं बल्कि मौत बनकर आया, क्योंकि यही खतरा बढ़ा और नसरल्ला ने इसके बारे में सोचा नहीं था। अब नसरल्ला ने सोचा था कि पेजर को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसके लड़ाकों के लिए ये प्रोटेक्टिव रहेगा, लेकिन यहां हुआ उल्टा ही। पेजर का यूएस भी तोड़ नहीं निकाल सकेगा, ये सोच थी, लेकिन मोसाद का कई देशों में नेटवर्क है। चूंकि मोसाद का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसराइल का नाम सामने आया है, तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सामने आ रहा है इन धमाकों के पीछे। दरअसल हंगरी में बीएसई के नाम पर पेजर बनाने का काम है। अब ऐसे में हिजबुल्ला के पेजर का ऑर्डर ताइवान तक पहुंचा, यानी कि जो कनेक्शन है ये इस तरीके से सामने आया। मोसाद की फर्जी कंपनी ने ताइवान से ऑर्डर लिया इन पेजर को लेकर, हंगरी में बीएसई के नाम पर पेजर बनाने का काम हुआ, और ऐसे में ये जो ऑर्डर दिया गया नकली हिजबुल्ला के पेजर का ऑर्डर ताइवान तक पहुंचा और यहीं पर मोसाद की नजर थी। मोसाद की फर्जी कंपनी ने ताइवान से ऑर्डर लिया और फिर उसके बाद ये प्लानिंग हुई पेजर में ब्लास्ट की। मोसाद के लिए ये कहा भी जाता है कि वो खुफिया एजेंसी जिसे पल भर में क्या कर दे ये पता नहीं लगाया जा सकता, और मोसाद जिसके बारे में जानकारी कोई आसानी से जुटा नहीं सकता। आखिर क्यों धोखा खा गया हिजबुल्ला ये भी जानिए। रिकॉर्ड से कंपनी पर शक करना मुश्किल। हंगरी में बीएसई के नाम से एक फर्जी कंपनी के बारे में भी जानकारी मिली, और जानकारी ऐसी कि दुनिया में मोसाद की कई फर्जी कंपनियां हैं, और यही फर्जी कंपनी जिसने ताइवान से ये ऑर्डर लिया। रिकॉर्ड से कंपनी पर शक करना ये कहिए इम्पॉसिबल सी बात है, इसीलिए हिजबुल्ला धोखा खा गया, और इसीलिए हिजबुल्ला को ये मालूम नहीं हुआ कि अगला टारगेट कैसे उसके लड़ाके होंगे, और वो भी पेजर के जरिए होंगे। अब मोसाद का जाल था जिसमें हिजबुल्ला फंस गया। मोसाद दुश्मन के इलाके में भी गया नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम कर दिया, यानी कि एक साथ इतने धमाके। दुश्मन ने खुद मोसाद को संपर्क किया, यानी मोसाद की जो फर्जी कंपनियां थी काम आ गई। मोसाद ने दुश्मन का पीछा भी नहीं किया, ना उसकी सीमा में गया, और अपना काम वहीं बैठे बैठे रिमोट के जरिए कर दिया। अब ना दुश्मन के इलाके में जाना, ना उससे कोई संपर्क करना, ना उसकी सीमा में जाना, ना किसी तरीके का खतरा मोल लेना, लेकिन एक बटन से काम हो जाना, जिस तरीके का अंदेशा अभी है यूके देवनाथ सर, ऐसा लग रहा है जब जैसे कोविड आया था तो उसमें चीन की चालबाजियों का जिक्र हमने बार बार किया, उसमें चीन की मंशा का जिक्र हमने किया, वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा चीन ही इसकी चपेट में आया। अब ऐसे में जैविक हथियार जैसे कोविड के दौरान हमने इस्तेमाल किया कि हाँ ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शायद अब आने वाले वक्त में होगा, तो क्या अब इस तरह के हमले हुआ करेंगे जो मोसाद ने यहाँ पर किया है, जो दावा किया जा रहा है कि ना वो सीमा में गया, ना कोई खतरा मोल लिया, ना आमना सामना हुआ, ना कोई संपर्क हुआ, लेकिन एक बटन दबाया और काम हो गया। जी हाँ रत्ना जी, अब आने वाला समय जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है कि युद्ध भूमि में ना टैंक, ना तोप, ना हथगोला, ना रॉकेट, ना मिसाइल, ना बख्तरबंद गाड़ियां का इस्तेमाल होगा। कोई भी एयरफोर्स का जो जहाज जाके दुश्मन पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आप दूसरे तरीकों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शत्रु को जैम कर दीजिए, आप जो है इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, रेडियो, टेलीविजन का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि दुश्मन के देश में खलबली पैदा हो जाए, उसके जो आम नागरिक हैं वो घबरा जाएं, और सबसे बड़ी बात है दुश्मन के देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसमें घुस जाएं। अब तो साइबर वॉरफेयर का समय आ गया है। चीन, पाकिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया सब साइबर वॉरफेयर में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना युद्ध लड़े दुश्मन देश के जैसे रेलवे तंत्र है उसमें घुस जाएं, रेलवे की सिग्नलिंग में एरर डाल दें, मेट्रो जो है उसके जो ट्रेन चलने के टाइमिंग है उसको कंप्यूटर में घुस के मेट्रो को कंफ्यूज कर दिया जाए, दुश्मन देश के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो पावर जनरेशन के लिए जो कंप्यूटर तंत्र का इस्तेमाल होता है उन कंप्यूटर में घुस के उनकी स्टीम की या टेम्परेचर को, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए,
और तो और दुश्मन के कंप्यूटर नेट में घुस के वहां एक नेशनल ग्रिड फेलियर कर दिया जाए। हाँ। तो आने वाले समय में युद्ध, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो युद्ध आमने सामने का होता है, एयर स्ट्राइक होती है या फिर आमने सामने जो जमीन पर जाकर, यानी कि जब दो देशों की सेना आमने सामने आ जाए, वो युद्ध होता है। युद्ध के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है अलग तरीके से युद्ध होंगे, जिसका एक एग्जांपल अभी यूके देवनाथ सर ने दे दिया। अच्छा, लेबनान में आईडीएफ ने बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले को लेकर